देखिए जंतु में परिवहन क्या होता है, पहला होता है रक्त परिवहन, क्या होता है रक्त परिवहन, क्या होता है रक्त परिवहन। देखिए अच्छा रक्त रक्त परिवहन कौन सा होता है, रक्त परिवहन तंत्र, रक्त परिवहन तंत्र। यहाँ देखिए परिवहन तंत्र में रक्त को बहुत तरह से जाना जाता है, जैसे ब्लड भी, रक्त भी, खून भी, लहू भी, सब होता है। अब आप लोग राजेश कोई मिलाएगा नहीं, सबको बोर्ड पे देखेगा जो, देखिए इसलिए तो पेपर, देखिए पेपर ले लिए ना तुरंत उसको लेके बंद कर लीजिए, सीधे घर निकलिए पढ़ने के बाद, सीधे मिल रहा है ना उसको चप्पे, दुनियादारी से मतलब नहीं है, सीधे अपना पेपर मिला बंद करिए, घर जाइए, वो पेपर निकालिए, अपना आंसर रखिए और तब वहाँ मिलाइए कि मेरा क्या गलती क्या सही, तब आके मुझसे बात कीजिए। अभी मैं मेरे पास गलती हो गया, तीनों गलती हो गया, ये सब लग रहा था, ये गलती नहीं है इस तरह। ये देखिए रक्त परिवहन तंत्र में अलग अलग डिफरेंस, देखिए पहला इसमें बातों की याद रखिए, पहला पॉइंट रक्त का रंग कैसा होता है, लाल, कैसा होता है लाल जो होता है ना, लाल हीमोग्लोबिन के कारण, किसके कारण, HB कहते हैं हीमोग्लोबिन, किसके कारण हीमोग्लोबिन। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक का बना होता है। इधर देखिए रक्त क्षारीय होता है, क्या होता है रक्त क्षारीय होता है, क्या होता है क्षारीय, क्षारीय का मतलब उसे जो स्वाद में कड़वा लगे, क्या लगे स्वाद में, रक्त को कोई पी नहीं सकता है डायरेक्टली, उसे गर्म करके ऐसे खा सकते हैं, डायरेक्टली पी नहीं सकते हैं, रक्त क्या होता है क्षारीय। रक्त का पीएच मान जो होता है ना 7.4 होता है, रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त का पीएच 7.4। अब वो दिन आ ही गया पीएच पढ़ने वाला, पावर ऑफ हाइड्रोजन, सोरेंसर ने इसे खोज किया था, ठीक है सलेंसर नहीं सोरेंसर। रक्त परिवहन तंत्र ये रक्त को हम किस किस नाम जानते हैं, रक्त परिवहन तंत्र क्या होता है इसको, ब्लड और क्या कहते हैं रक्त और खून और लहू, कोई डाउट है पूछेगा, रक्त का रंग कैसा होता है, अच्छा रक्त का रंग लाल किसके कारण, रक्त किस, अच्छा रक्त कैसा उत्तक है, रक्त जो होता है वो किस उत्तक का बना होता है, तरल संयोजी उत्तक का बना होता है, अच्छा रक्त कैसा होता है, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, कहाँ होता है अस्थि मज्जा में, कहाँ होता है अस्थि मज्जा, कहाँ होता है रक्त का निर्माण, कहाँ होता है बोलिए अस्थि, अस्थि मज्जा। अच्छा अस्थि मज्जा क्या होता है इसको सुनिए अच्छा से, अगर एक्स्ट्रा बोलेंगे ना तो पीटेंगे अभी बाहर सबको निकालेंगे, केवल और केवल लड़की सबको पढ़ाएंगे, बढ़ाई ज्यादा हो गया ना आज, लड़की से ज्यादा बढ़ाई हो गया आज। रक्त का रंग कैसा होता है, रक्त का रंग लाल किसके कारण, रक्त कैसा उत्तक है, रक्त कैसा होता है, रक्त का प्रकृति कैसा होता है, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच मान, रक्त का निर्माण कहाँ होता है, अब अस्थि मज्जा क्या होता है समझिए, कितना लोग इसमें चिकन मुर्गा खाया, मुर्गा उसका लेग पीस कितना लोग खाए हैं, हाथ रही हाथ रहो, ये मान लीजिए लेग पीस हो गया ठीक क्या है, हल्ला करेगा तुम लोग, चलो देखो अरविंद लेग पीस आप लोग जब खाते हैं ना, जब उसका हड्डी कूचा जाता है उसमें से कुछ निकलता है काला काला, वो अस्थि मज्जा होता है, हड्डी के बीच में जो होता है ना जगह उसमें अस्थि मज्जा, वहीं पे खून का निर्माण होता है, तो खून का रक्त का निर्माण कहाँ होता है, समझ गए, हम लोग का हड्डी है ना,
हड्डी देखे आप लोग, हड्डी के बीच में ऐसा मान लीजिए हड्डी हो गया, इसमें हड्डी होता है ना, उसके बीच में खाली स्थान जाली की तरह होता है, कैसा होता है, जिसको कूचते हैं ना तो उसमें से निकलता है, उसे क्या कहते हैं, अस्थि। तो बताइए खून का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। हम लोग के बॉडी में खून का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा। देखिए आगे देखिए, रक्त, देखिए रक्त जमा कहाँ होता है, जमा प्लीहा, कहाँ होता है, प्लीहा, उसको तिल्ली कहते हैं, क्या कहते हैं, तिल्ली, कहाँ होता है, तिल्ली, इस इंग्लिश में उसे स्प्लीन कहते हैं, क्या कहते हैं, स्प्लीन। हम लोग के बॉडी ये देखिए इधर के तरफ में हम लोग का तिल्ली होता है, क्या होता है, तिल्ली, उसको हम लोग पिल्ही कहते हैं, क्या कहते हैं, या प्लीहा कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लीहा, क्या कहते हैं, प्लीहा, क्या कहते हैं, प्लीहा, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्लीहा कहते हैं, प्लीहा, क्या कहते हैं, इसको तिल्ली भी कहते हैं, क्या कहते हैं, तिल्ली, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तिल्ली, क्या कहते हैं, तिल्ली, इसको स्प्लीन कहते हैं इंग्लिश में, क्या कहते हैं, SPLEEN, स्प्लीन, क्या कहते हैं, बताइए जानते हैं क्या, समझिए इसको अच्छा से, ए तू उसको क्या पढ़ा रही है, तू इधर पढ़ने की उधर पढ़ा रही है, छोड़ दो उसको कर रही है, तो तू इधर देखो पहले, बताइए हम लोग के शरीर में जो एक्स्ट्रा ब्लड होता है हार्ट में जमा नहीं होता, कोई कहता ना कि खून दिल में मतलब हृदय में जमा होता है, नहीं, हार्ट अटैक आ जाएगा, कोई व्यक्ति मर जाएगा तुरंत ही जमा होगा। हम लोग के अंदर ब्लड जो होता है वो अलग एक चेंबर है, तिल्ली प्लीहा में जमा होता है, कहाँ होता है, इसे ब्लड बैंक कहा जाता है, क्या कहता है, ब्लड, इसे ब्लड बैंक, क्या कहते हैं, ब्लड बैंक, किस बताइए ब्लड बैंक किसे कहते हैं, ब्लड बैंक किसे कहते हैं, इसे कब्र स्थान भी कहा जाता है, क्या कहता है, कब्र, क्या कहता है, कब्र, क्या कहता है, इसे कब्र, अच्छा ब्लड का कब्र किसे कहा जाता है, प्लीहा या तिल्ली या स्प्लीन को, ब्लड बैंक किसे कहते हैं, सुनिए रक्त प्लीहा तिल्ली में जमा रहता है, बताइए एक्स्ट्रा ब्लड कहाँ जमा रहता है, प्लीहा या तिल्ली में, कहाँ पे, प्लीहा या तिल्ली में, कोई डाउट है, महिला, देखिए पुरुष की अपेक्षा महिला में आधा लीटर खून जो होता है ब्लड कम होता है, क्या होता है, ताकि वो दूसरा खून पी सके, समझ रहे हैं ना, नहीं समझे, जैसे मान लीजिए पुरुष की अपेक्षा महिला में कितना लीटर कम, अगर पुरुष में 5 लीटर, पुरुष में 5.5 लीटर होगा तो महिला में कितना होगा, 5 लीटर, कितना होगा, अच्छा मेल में कितना होगा, और तो फीमेल में कितना होगा, वो आधा लीटर कम इसलिए रहता है ना क्यों किसी का खून पी सके, समझ रहे हैं, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है, झूठ में बोले हैं। रक्त परिसंचरण का खोज विलियम हार्वे ने किया था, कौन किया था, विलियम हार्वे, कौन किया था, विलियम हार्वे, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया था, विलियम हार्वे। ये रक्त का रंग कैसा होता है, कैसा होता है, रक्त का रंग लाल, रक्त का रंग लाल किसके कारण, रक्त का रंग लाल किसके कारण, रक्त कैसा उत्तक है, रक्त किस उत्तक का बना होता है, बताइए रक्त कैसा उत्तक होता है, रक्त का रंग कैसा, रक्त का प्रकृति कैसा होता है, रक्त अम्लीय कि क्षारीय, एक बार अभी मोटा मोटी थोड़ा सा बता दे रहा आपको, जिसे हम जीभ पे रख सकते हैं उसे अम्लीय कहते हैं, जिसे जीभ पे नहीं रख सकते उसे क्षारीय, स्वाद में जो कड़वा खट्टा होगा उसे अम्ल कहते हैं, और स्वाद में जो कड़वा होगा उसे क्षारीय कहते हैं। क्या आप सरफ को जीभ पे रख सकते हैं, कोई कोई लड़की जो रख लेगी, क्या सर्फ, सर्फ समझते हैं, ये सांप कौन रख लेगी, सर्फ, अच्छा सर्फ, सर्फ साबुन कौन रख सकता है मुंह पे, कौन रख लेगी, तू रख लेगी, मंगवाया भी यहाँ से 5 रुपए लाइव है, और उसमें काट के खा के खूब उसमें ऐसे कूचना है। रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन का सूत्र क्या होता है, HB, क्या होता है, लिखे भी थे, क्या होता है, HB, हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रंग लाल होता है कि बाल लाल होता है, क्या लाल होता है, हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य का रक्त लाल होता है कि बाल लाल होता है, कोई क्यों ना एकदम
आगे एकदम मुर्गा के पाक की तरह रंगवा देता है सब लाल लाल। देखे आप लोग कभी? अच्छा लगता है वो, लगता है कि कुछ टोपी लगा लिया है देती वाला होली वाला। अच्छा, रक्त का रंग लाल किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन के कारण, मतलब ये रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। क्या रक्त का प्रकृति कैसा होता है? क्या रक्त अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है? क्षारीय होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। अच्छा, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, उसका प्राकृतिक 7.4 होता है क्षारीय कि अम्लीय? रक्त का निर्माण होता है कहाँ पे? एक मिनट, आप याद रखने का ट्रिक देखिए, हम कैसे याद रखते हैं। आपको लेग पीस खाने बहुत मजा आता है, तो लेग पीस में क्या होता है? हड्डी होता है। तो खून का निर्माण किसमें होता है? हड्डी में। किसमें होता है? हड्डी के अंदर। किसमें? अस्थि मज्जा में। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। तो किसमें होता है? ब्लड का निर्माण किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। किसमें होता है? अस्थि मज्जा में। बताइए, रक्त जमा कहाँ होता है? पलीहा में। कहाँ होता है? पलीहा का दूसरा नाम क्या होता है? तिल्ली। क्या होता है? इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्प्लीन। क्या कहते हैं? स्प्लीन। बताइए रक्त का, अच्छा बताइए किसे ब्लड बैंक कहा जाता है? किसे ब्लड बैंक? पुरुष में, पुरुष की अपेक्षा महिलाओं में ब्लड कितना लीटर कम? आधा लीटर। लेकिन वो आगे चल के बराबर हो जाता है। समझ आ रहा है आप लोगों को? महिला का बात कर रहे हैं, किसी लड़की का बात नहीं कर रहे हैं। बताइए रक्त परिसंचरण का खोज कितना, रक्त परिसंचरण तंत्र का खोज कौन किया था? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे। रक्त का पीएच मान, रक्त कैसा उत्तक है? रक्त तरल होता है कि तरल संयुक्त उत्तक होता है कि केवल? कोई डाउट है? अब रक्त को कितने प्रकार होते हैं? देखिए ब्लड क्या होते हैं, हैशटैग लगाइए। रक्त की संरचना कितने भागों में किया गया है? कितने भागों में? कितने भागों में? एक प्लाज, देखिए रक्त, एक मिनट ध्यान देखिएगा, हम लोग के ब्लड कुछ तरल में भी होते हैं और कुछ ठोस में भी होते हैं। किसमें होते हैं? अब कोई कहेगा कि लो ब्लड में ठोस कहाँ से आ जाएगा? आता है। आप चाय पीते हैं? चाय पीते नहीं पीते हैं? आप सोचिए चाय में ठोस नहीं होता है क्या? अच्छा एक मिनट आप बताइए, चाय में हम लोग गाँव में देखिएगा, कोई ना महिला वहिला चाय बनाती है ना, तो दूरे से मतलब ना इसमें से एक दो चम्मच ले लेगी, हाँ ठीक है बांट दो ले जाके, बढ़िया एकदम मीठा मीठा लग रहा है दूरे से। लेकिन नहीं देखे आप लोग? ए, होता ही नहीं होता ऐसे। कितना लड़की सब देखे ना, चाहे महिला सबको, वो सब्जियां से क्या करेगी? ठीक है, नमक ठीक है, नमक ठीक है। पाला जमा हो गया ठीक। हम लोग का रक्त कितने प्रकार के होते हैं? एक प्लाज्मा अवस्था में और एक रुधिराणु या रक्त कण। रुधिराणु या रक्त कण। रुधिराणु या रक्त कण। कोई डाउट आप लोगों को? कोई पूछेगा रक्त के कितने संरचना होते हैं? एक प्लाज्मा अवस्था में और एक, एक प्लाज्मा और एक। देखिए प्लाज्मा किस अवस्था में होता है? हम लोग के बॉडी में 60% क्या होता है? प्लाज्मा अवस्था। कौन सा अवस्था? और रुधिराणु किस अवस्था में? किस अवस्था में? कितना परसेंट? कितना परसेंट? 60%, 40%, कितना परसेंट? कितना समझ में आ गया? अब प्लाज्मा में दो प्रकार होते हैं, कितने प्रकार होते हैं प्लाज्मा में? कौन-कौन? कितना प्रकार? दो प्रकार। प्लाज्मा में कितना प्रकार? फाइब्रिनोजेन, 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 प्रोथोबिन, 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 फाइब्रिनोजेन, फाइब्रिनोजेन, प्रोथोबिन। प्लाज्मा कितने प्रकार के? एक मिनट, प्लाज्मा में कितने पदार्थ पाए जाते हैं? फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोने, फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन। एक देखिए प्रोथो, बोलिए प्रोथो बीन, प्रोथो बीन, प्रोथो, प्रोथोबिन, बोले प्रोथोबिन, फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन। सुनिए आप कभी जब मैं पूछ रहा हूँ बताइए सही सही, क्या अभी चाय पत्ती और चाय मिले कितना लोग इसमें पी जाते हैं?
चाय पत्ती छान के पीते नहीं पीते हैं? हम लोग के बॉडी के अंदर खून बहुत गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा। कभी कोई व्यक्ति का बीमारी पकड़ना होता है ना, तो ब्लड खींच लिया जाता है, उस ब्लड में से फाइब्रोनोजेन गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा। रक्त कैसा होता है? गाढ़ा। एक तरल संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? आप सोचिए एक बार, एक मिनट, जब रक्त कोई मान लीजिए कोई व्यक्ति का कोई प्रॉब्लम हुआ, बीमारी हुआ, उसका रक्त जांच करना है। क्या करना है? ब्लड जांच करना है। तो ब्लड में से देखो, फिर बतिया रही, इधर देखेंगे नहीं तो कहां समझ आएगा तुमको। देखिए फिर आना पड़ेगा। रक्त की संरचना कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में, एक होता है और एक होता है। आज दुनिया में सबसे बेकार अगर कोई चीज किया तो पहला नंबर सखी, इसलिए मत डराइए किसी से भी, एकदम अकेले रहिए और आराम से पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करने में 75 को सखी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। अभी पढ़ा देखिए, यहाँ पे आप आए हैं, एकदम सिक्योर होकर ध्यान दीजिए यहाँ पे। अगर वन मिस्टेक गेम ओवर, अगर एक गलती करेंगे ना आपके टॉपिक से हाथ धो लेंगे, इसलिए समझ के पढ़िए। फिर हंसी मजाक करने के लिए मैं आधा घंटा समय देता हूँ आप लोग जाते समय। रक्त की संरचना कितने भागों में किया गया है? प्लाज्मा और दूसरा, पहला कौन, दूसरा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको समझिए क्या होता है इसके अंदर। प्लाज्मा कैसा अवस्था होता है? प्लाज्मा किस अवस्था में? लेकिन रुधिराणु किस अवस्था में? प्लाज्मा में कितना परसेंट भाग? अच्छा, रक्त संरचना में प्लाज्मा है कितना परसेंट भाग? जल रुधिराणु का? प्लाज्मा में भी 90% केवल जल होता है, कितना परसेंट कहेगा? रक्त संरचना का प्लाज्मा कितना परसेंट भाग? रक्त संरचना का प्लाज्मा कितना परसेंट? लेकिन प्लाज्मा में जल कितना परसेंट? ये कोई पूछेगा आपके 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 घर में कितने, मतलब जैसे आपसे यहाँ पूछेगा आपके घर में कितने लड़के हैं, तो जितना होंगे गिन के बताएंगे। लेकिन कोई पूछेगा घर में कितने बच्चे हैं, तो ओवरऑल लड़का लड़की सब आ जाएंगे। नहीं समझे आप लोग? अगर कोई आपसे पूछ दे के घर में कितने लड़के हैं, तो लड़का का केवल काउंटिंग करेंगे, 10, 15, 20, 25 जितना है। कम लग रहा है आप लोगों को, बढ़ा लीजिएगा आप लोग। लेकिन कोई पूछे आपके घर में बच्चे कितने हैं, 50, 60, 70, 80? नहीं। रक्त की संरचना कितने भागों में किया गया है? पहला, दूसरा, पहला, दूसरा। अच्छा, प्लाज्मा किस अवस्था में होता है? हमारे बॉडी में रक्त संरचना प्लाज्मा कितना परसेंट? लेकिन प्लाज्मा में जल कितना परसेंट? जल कितना परसेंट? अच्छा, प्लाज्मा में दो तरह के पदार्थ पाए थे, एगो फाइब्रोनोजेन, फाइब्रोनोजेन प्रोथोडीन, प्रोथोडीन याद रखिएगा। रक्त कैसा होता है? रक्त गाढ़ा होता है। कोई चीज को देखिए, गाढ़ा से तो आपका ब्लड, अच्छा एक मिनट बताइए, हम लोग को चाय पीना होता है तो गाढ़ा चीज में से पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं? अगर हम लोग को चाय पीना होता है तो गाढ़ा में से क्या निकाल लेते हैं? चाय पत्ती। तो पतला लोग पीते हैं हम लोग। जब हम लोग को बीमारी होता है ना, तो रक्त गाढ़ा जांच नहीं होता है, इस फाइब्रोनोजेन गाढ़ा अच्छा रक्त में से फाइब्रोनोजेन निकाल देते हैं, तो केवल क्या बचता है? सेरम। क्या बचता है? सेरम। और सेरम से ही बीमारी का जांच होता है। कहेगा खून का वह कौन सा ऐसा भाग है जहां पे बीमारी का जांच होता है? सेरम। बताइए बीमारी का जांच किससे होता है? आज के बाद से कभी कोई नहीं कहेगा कि खून का जांच होता है। अच्छा, खून में से क्या निकाल देते हैं पतला हो जाता है? फाइब्रो, फाइब्रोनो, रक्त में से फाइब्रोनोजेन गाढ़ा होता है, इसको निकाल देते हैं तो पतला हो जाता है, क्या बन जाता है? अब सेरम से कोई डॉक्टर जांच करता है कि इसके अंदर कौन बीमारी है। बताइए रक्त को जांच करने के लिए रक्त से क्या निकाला जाता है? बीमारी का जांच किससे होता है? रक्त के कौन से भाग से? सेरम। अच्छा, कोई कहेगा सेरम क्या है, तो कहेगा रक्त में से फाइब्रोनोजेन को निकाल देते हैं तो क्या बन जाता है? जिस तरह चाय पत्ती में से चाय में चाय पत्ती निकालेंगे शुद्ध चाय बन जाएगा। और किसी घर में कोई आया, ले एकदम बढ़िया से चाय पत्ती हुए, पी रहा था, 5 चाय पत्ती चल गए, क्या हो गया, दोबारा कमाई नहीं करेगा घर पे, समझ रहे ना? तो एक होता नहीं होता है। फिर से पूछेगा सेरम क्या होता है? सेरम कहेगा रक्त में से गाढ़ा पदार्थ फाइब्रोनोजेन को निकाल देते तो क्या बचता है? बीमारी का जांच किससे होता है? कितना समझ आएंगे? क्या आप लोग समझे इसको? नहीं समझे?
यह पीला रंग का एक चिपचिपा द्रव होता है। कैसा होता है? जिसमें 90% जल होता है, 10% प्रोटीन पाया जाता है। बताइए यह किस रंग का होता है? प्लाज्मा। किस रंग का होता है? पीला रंग का गाढ़ा द्रव होता है जिसमें 90% 10% प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। अच्छा, प्लाज्मा में कितने पदार्थ पाए जाते हैं? फाइब्रोनोजेन और प्रोथोबिन। अगर रक्त में से फाइब्रोनोजेन निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? सेरम। अच्छा, रक्त अगर जांच, अगर बीमारी जांच किससे होता है? रक्त के कौन सा भाग? अगर कोई व्यक्ति आपके, अगर आपका बीमारी हुआ और कोई रक्त निकाल लिया, आप उसे कह सकते हैं, देखिए ना रक्त निकाले, उसमें से क्या आप निकाल दीजिएगा? बताइएगा, आप उसको खुद जानता है सब कुछ। आप किसी को समझा सकते हैं कि डॉक्टर को थोड़ी समझाएंगे। एक काम कीजिए, फाइब्रोनोजेन निकाल दीजिएगा, सेरम से जांच कर दीजिएगा। क्योंकि ढेर टेक्नोलॉजी वाला हो गया है, तुम तब का दवाई कराने आया है? हम खुद बनाते कर लेते दवाई घर पे। वो डॉक्टर सब कुछ जानता है। आप किसी को ऐसे समझा सकते हैं कि देखिए रक्त से हम लोग का बीमारी जांच होता नहीं है, रक्त निकाल लिया जाता है और ले जाके उसमें से क्या हटा दिया जाता है? फाइब्रोनोजेन को अलग करते हैं तो क्या बच जाता है? और इसी सेरम से इतना बड़ा स्किल डेवलप, स्किल इतना बड़ा होता है, देखे होंगे इसमें रक्त ले जाता है सर, और ले आएगा सर किप में जांच कर लेता है सर। कोई डाउट है आप लोग को? कितना लोग समझ आ गया? पूछे बताइए, रक्त की संरचना कितने भागों में किया गया है? पहला, दूसरा, प्लाज्मा किस रंग का होता है? प्लाज्मा कितना परसेंट भाग होता है? प्लाज्मा कितना परसेंट भाग होता है? लेकिन प्लाज्मा में कितना परसेंट जल पाया जाता है? 10% प्रोटीन, 10% प्रोटीन। बताइए प्लाज्मा किस अवस्था में? किस अवस्था में? प्लाज्मा में कितना पदार्थ? फाइब्रोनो प्रोथो, फाइब्रोनो प्रोथो, आप लोग बोलिए। एक बार और, फाइब्रोनोजेन को रक्त से निकाल देते हैं तो क्या बच जाता है? उसी सेरम से बीमारी का जांच होता है। क्लियर? इधर आए, क्या आप लोग प्लाज्मा समझ में आया? एक और समझते हैं। देखिए रक्त रुधिराणु किस प्रकार का, किस तरह होता है? कितना परसेंट हम लोग के बॉडी में रक्त रुधिराणु कितना परसेंट? ये तीन प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? तीन प्रकार के। कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। एक आरबीसी, क्या होता है? बोलिए, रेड ब्लड कॉर्पोरेशन, रेड ब्लड सेल कोशिका। यहाँ देखिए, बोले डब्ल्यू बी सी, डब्ल्यू बी सी वाइट ब्लड सेल। एक होता है प्लेटलेट्स, क्या होता है? प्लेटलेट्स, ये भी एक बहुत ही हम लोग बॉडी में तक गिर जाता है, डेंगू बीमारी में बहुत खतरनाक गिरता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होता है? पी प्लेटलेट्स क्या होता है? अच्छा एक मिनट, हम लोग के बॉडी में आरबीसी कितना होते हैं? तो हम लोग के बॉडी में आरबीसी 50 लाख होते हैं। कितने लाख होते हैं? 50 लाख। 50 लाख मतलब 5 मिलियन। कितना मिलियन? 10 लाख को 1 मिलियन, तो 50 लाख को 5 मिलियन। अच्छा 10 लाख कितना मिलियन? 1 मिलियन, तो 50 लाख को हम लोग के बॉडी में आरबीसी की संख्या बोलो कितना लाख? 50 लाख। कितना लाख? 50 लाख। डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी कितना लाख? 10 लाख। कितना लाख? कितना लाख? कितना लाख? अब प्लेटलेट्स का लाख बोलिए, बोलते नहीं है। कितना लाख? चलो नहीं समझ रही है क्या? देखो बताओ, रुधिराणु रक्त कण, रुधिराणु को क्या कहते हैं? रक्त, रुधिराणु रक्त कण किस अवस्था में? किस अवस्था में? कितना परसेंट? कितना परसेंट? इधर देखिए, रुधिराणु रक्त कितना परसेंट? कैसा होता है? अच्छा रुधिराणु रक्त कितने प्रकार के होते हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, प्लेटलेट्स। कौन होता है? अच्छा आरबीसी की संख्या कितना होता है? कितना होता है? सब सीधे सीधे क्वेश्चन पूछेगा, आरबीसी की संख्या कितना होता है? या 5 मिलियन। कितना मिलियन? डब्ल्यूबीसी का, प्लेटलेट्स का, बताइए आरबीसी का पूरा नाम? रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, बोलिए व्हाइट ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका। हम लोग के बॉडी में उजरो खून है, है? हम तो देखे नहीं किया अभी आज तक।
ऐसा है बताएंगे आप लोग। व्हाइट ब्लड सेल कितना लाख? अब प्लेटलेट्स का लाख। अब सुनिए और देखिए यहाँ पे, हम लोग के बॉडी में आरबीसी का जीवन काल 120 दिन, कितना दिन? 2021 में 2020 में पूछा है, आरबीसी का जीवन काल कितना दिन? 120 दिन। कितना दिन? 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का? डब्ल्यूबीसी का 4 दिन, कितना दिन? कितना दिन? और प्लेटलेट्स का 7 दिन, कितना दिन? कितना दिन? याद रखिए। चलिए फिर एक बात है, शुरू से आते हैं। रक्त का रंग कैसा होता है? किसके कारण? किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का पीएच मान? रक्त क्षारीय के अम्लीय। रक्त का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। महिलाओं में रक्त अधिक होता है कि पुरुषों में अधिक होता है? गुड, बहुत अच्छा। बताइए विलियम हार्वे ने किसका खोज किया? रक्त परिसंचरण का। किसका? बताइए रक्त का रंग, रक्त कैसा ऊतक है? तरल संयोजी ऊतक। अच्छा रक्त ब्लड बैंक किसे कहते हैं? प्लिया को। किसे कहते हैं? प्लिया। किसे कहते हैं? रक्त का संरचना कितने भागों में? पहला को, दूसरा को। हमारे बॉडी में प्लाज्मा कितना परसेंट? प्लाज्मा किस रूप में? प्लाज्मा में कितना जल? कितना परसेंट? अच्छा रुधिराणु रक्त किस प्रकार का, किस अवस्था में, कितना परसेंट? इधर देखिए, रक्त में रक्त प्लाज्मा किस रंग का? जल कितना परसेंट? कितना परसेंट? अब प्रोटीन फीस भर जाता है इधर। तुम मेहनत कर पढ़ाई, इतना तेज तेज बुला बुला क्या कौन गलत बोलता है एकदम अंदर से समझिए खेतन, वो ये निकल जाता ऑटोमेटिक अलग है, जांच करो तो इन लोगों क्या दिक्कत है। रक्त में से फाइब्रोनोजेन को निकाल देंगे तो क्या बचेगा? इसी से बीमारी का जांच। क्या रक्त से जांच होता है? किससे जांच होता है? रक्त के सेरम से। किससे? बताइए रुधिराणु रक्त को कितने भागों में? पहला आरबीसी का पूरा नाम क्या होता है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी का? व्हाइट ब्लड सेल। प्लेटलेट्स। आरबीसी का जीवन काल? आरबीसी के कितने, आरबीसी की संख्या कितना होता है बॉडी में? डब्ल्यूबीसी का? प्लेटलेट्स। गुड। आरबीसी हमारे, आरबीसी का जीवन काल? डब्ल्यूबीसी का? प्लेटलेट्स का। अब मेरे साथ बोलिए, बोलिए। अच्छा आरबीसी का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। एस एरिथ्रोसाइट क्या होता है? आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट। बोलिए ल्यूको, पूछा गया क्वेश्चन है, मजाक मत लीजिएगा। पूछेगा आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है? एरिथ्रोसाइट। क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम? ल्यूकोसाइट। क्या बोलेंगे? और ब्लड थ्रोम्बोसाइट। एक बार बोलेंगे, बोलिए एरिथ्रोसाइट। क्या बोलेंगे? एरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। एरिथ्रोसाइट। ल्यूकोसाइट। थ्रोम्बोसाइट। ये आपका स्ट्रक्चर है। अब इसको हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे, फिर लगभग चैप्टर के आधा में चल जाएंगे हम लोग, ठीक है? थोड़ा एक बार फिर रिविजन करते हैं, फिर लिखते हैं।